नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, इसी बीच एक के बाद एक कई बड़े नेताओं के भी इससे संक्रमित होने की खबर आई। लेकिन अब जो खबर आ रही है, बीते दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन, जो कि सिवान के पूर्व सांसद हैं, बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध हैं, शहाबुद्दीन की अब तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। बीते सप्ताह वह कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद अब उन्हें दीनदयाल उपाध्याय में जब उनका इलाज चल रहा था तो अब उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई है। मतलब उनकी हालत जो है वह बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, जिसके बाद राजद के कार्यकर्ता जो हैं वह काफ़ी चिंतित हो गए हैं, उनके लिए दुआएँ मांग रहे हैं। तो लगातार कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, देश भर में स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। और इसी बीच अब शहाबुद्दीन को लेकर बड़ी खबर आ गई है। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, जो कि काफी समय से सजा काट रहे हैं, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, बीते दिनों उनकी तबियत खराब हुई थी, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट है, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, शहाबुद्दीन की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। तो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, बीते दिनों कोरोना संक्रमित हुए थे, उसके बाद राजद के जो कार्यकर्ता हैं वह लगातार दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द वह स्वस्थ होकर बाहर आए। और लेकिन इसी बीच जो अब वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, तो ऐसे में तमाम लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं, उनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी जमानत को लेकर तमाम जो राजद कार्यकर्ता हैं खुश हैं। वहीं अब एक बड़ी खबर आ गई है दिल्ली से ही शहाबुद्दीन को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं काफी तनाव में है तमाम लोग। अब देखने वाली बात होगी कि शहाबुद्दीन को लेकर क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं। तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन जो हैं वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि बीते दिनों ही उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था, कई गंभीर समस्याओं से जूझ भी रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं और कई तरह की परेशानी उन्हें हुई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। देश की हालत की बात अगर हम करें तो देश भर में स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। बिहार में भी 1 लाख से अधिक सक्रिय मरीज जो हैं वह हो गए हैं। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि यहाँ पर एक दिन में भी 100 से अधिक मौतें होने लगी है। पटना की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। ऐसे में बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला किया है, शाम के 6 बजे के बाद तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लगा दिया गया है, दुकानों को बंद कर दिया गया है 4 बजे के बाद। और यह महत्वपूर्ण फैसला कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर लिया गया है। और ऐसे में अब जो बड़ी खबर दिल्ली से आई है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। जो कुछ भी अपडेट्स होंगे तो हेडलाइंस भी आप तक लगातार पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।